सेठ जी, दरवाजा खोलो सेठ जी। सेठ जी, कुछ तो बोलो। आज 5 दिन हो गए हैं, पता नहीं ये अंदर क्या लिख रहे हैं। सेठ जी, दरवाजा तो खोलो सेठ जी, वरना मैं अपने अम्मी अब्बू के चली जाऊंगी, फिर कभी दोबारा वापस नहीं आऊंगी। सेठ जी, मैं तुम्हारी कसम जहर खा के मर जाऊंगी। साली, दरवाजा खोल दो सेठ जी। दिखा तेरे चेहरे पर, दिखा साली, अब का चली जाएगी, जहर खा के मर जाएगी साली, ये तो मैंने फ्रंट पेज पे लिखा। सेठ जी खोल दो दरवाजा। सेठ जी, दरवाजा खोल दो सेठ जी। सेठ जी, सेठ जी दरवाजा खोल दो। क्या हुआ, क्यों रो रही है? देखो ना अम्मी, आज सेठ जी को 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक दरवाजा नहीं खोला इन्होंने। अबे लगता अम्मी आ गई। हाँ, अम्मी से शिकायत लगा रही है साली, तेरे जर तो दिखा रही है। ठीक है, इसे भी लिखता हूँ। 5 दिन हो गए, मगर ये अंदर कर क्या रहा है? पता नहीं, मैंने इनसे पूछा तो कह रहे हैं तिरिया चरित्र लिख रहा हूँ। तिरिया चरित्र? हाँ। मगर क्यों? मुझे क्या पता, खुद ही पूछ लो। तुम्हारा बेटा तुम्हारा लाल है। मेरा लाल है बाहर में जैसा लाल, मैं बताऊंगी इसे हरामजादे को। 5 दिन हो गए आज इसने पूरे कुनवे को परेशान कर रखा है, मैं निकालूंगी इसका तिरिया चरित्र। अम्मी तू क्या बतलाएगी, ये तो मैंने पहले लिख दिया, मैं दरवाजा खोलने वाला नहीं हूँ, कुछ भी कर लो। खोल रहा ना खोल रहा, हरामजादे पूरा मास्टर बन रहा, तेरा बाप भी कभी पढ़ा? खोल दे, बता रही हूँ, नहीं तो बहुत पिटेगा। ओए मारेगी अम्मी। अम्मी अम्मी अम्मी, मैं दरवाजा खोल दूंगा, मुझे मारिए मत। प्यार से बोल अम्मी, खोल दूंगा दरवाजा। अच्छा, ठीक है बेटे, मारूंगी नहीं तुझे मेरे लाल, तू खोल तो दे मेरे बच्चे, चल बाहर आ खोल। ठीक है अम्मी, आ रहा हूँ, खोलता हूँ दरवाजा। आ लिया तेरा बेटा, आ लिया तेरा लाल, आ लिया अलिया अम्मी, आ जा मेरे बच्चे, आ मेरे लाल, आ मेरे लाल, आराम जाते आराम जाते आराम जाते आराम जाते आराम जाते दरवाजा बंद नहीं करूंगा। तू कर क्या रहा था दरवाजा बंद करके? अम्मी मैं तो तिरिया चरित्र लिख रहा था। क्या करेगा तिरिया चरित्र लिख के? अम्मी इन्हें जोड़ में ले जाके जोड़ में गेरूंगे गलाऊंगा। मेरी नजरों से दूर चला जा। अम्मी तुमने सेठ जी को जरा सी बात के ऊपर इतना मारा, तुम्हें पता है ये मेरे पति हैं, अगर पिटाई इनकी होती है तो दर्द मुझे होता है। अरे तेरा पति है तो क्या मेरा लौंडा ना है? हैं? मेरे बेटे, मेरे शेखू, मेरे लाल, मेरे नीले, मेरे पीले, मेरे बछड़े, मेरे कछड़े, मेरे बच्चे। अच्छा चल तू जा, तुझे जो करना है तू वो कर।
ठीक है अम्मी, ठीक है अम्मी, ये तो मैंने लिखा ही नहीं, इसे भी लिख लेता हूँ। हाँ ये ना रह जाए, इसे भी लिख लो। हाँ ठीक है, ठीक है भाई, ये भी लिख लिया साला, इसे भी रखाऊंगा। चल अच्छा, चल तू जा खाना बना। जी अम्मी। अम्मी मैं रुक जाना, मैं रोटी बाद में खाऊंगा, पहले झोड़ में ना डाल खाऊं। हाँ ठीक है साले, तू खत्म कर दूंगा, पूरे 73 खत्म कर दूंगा, पर साले ने मेरी देह तोड़वा दी। अम्मी ने बहुत मारा, पर मैं भी साले 73 खत्म कर ही दूंगा, मगर साला यार झोड़ तो दिखाई नहीं दे रहा, कोई खला भी नहीं दिखाई दे रहा, कहीं पानी भी नहीं भर रहा, ढूंढ तो रहा साले, हमारे यहाँ तो पानी भी नहीं भर रहा कहीं। पानी वाली तो मुझे थोड़ा पानी पिला दे। हाँ पानी पीने के, पानी पिलाना तो अच्छी बात है। दादी इसमें क्या ले जा रहे हो? पानी पिलाते पिलाते इसमें तेरे जल तो लिखे ही ना, गिरने जा रहा हूँ। चलो पानी पी। अभी तो तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मैं तो कालक फिर आ जाऊँगा। ठीक आ जाऊँगा, मुझे कौन सा डर है, पर तू क्या मेरा सिरका डालेगी, इन्हें डाल कर आ रहा हूँ। साला कहीं मिला ही नहीं, पानी भी नहीं मिला। अबे साले, अबे डर गया था, पर गया मैं तो कांटे में चुप गए साले, हैं कहीं मिली ना रहा पानी, इन्हें कहाँ गला हूँ साले को, तेरे चरत्र को। ओबे ठीक है, यहाँ है, यहाँ डालता हूँ साले को, यहाँ फेंक देता हूँ साले को, यहाँ फेंक दूंगा। आज ना 73 रहेंगे और ना आदमी परेशान होंगे, ये ले जाओ बेटे 73 यहाँ सड़ो सालो। हाँ ठीक है साली, चद्दर भी हेरा जा कभी 73 की महक रह जा। हाँ साले अच्छा ठीक है साली, कटी रात साले फेंक दिया, गल जाएंगे। अरे शेख जी आप आ गए? क्यों मैं वहीं रहता, आ गए? हाँ साले फेंक दिया, गल जाएंगे साले। हाँ मुझे फिर पानी छिड़का दे, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। बचाओ 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 बचाओ। तूने मुझे पानी पिलाने को रोका कब, मगर तूने मुझे घूंसे पिलवा दिए, मगर एक बात बता, तू चिल्ला क्यों रही थी बचाओ बचाओ? मेरी बाल्टी में कुछ गिर गया था, इसी में तो उससे डर गई थी, इसलिए चिल्ला रही थी। कुछ गिर गया था? ओए बस वाला जरा सा कुबड़ा पड़ा कम नगद। पानी पियोगे? बा मुझे माफ कर, मुझे पानी पीना ना चाय पीनी, अगर तू मुझे ना छुटाती तो मुझे जान से मार देते। तुम्हें छुड़वा तो दिया ना? हाँ छुड़वा दिया, क्या छुड़ाना, छुड़ाया पूरा तुड़वा दिया। चलो पानी पियो। मगर मेरी समझ में ये नहीं आया, तूने मुझे पहले पिटवाया क्यों, मैं छुड़वाया क्यों, और तेरी बाल्टी में जरा सा कूड़ा पड़ा, इसका मतलब तू मुझे पागल बना रही है। अरे शेख जी अभी जो तुम लिख के ले गए थे इसके अंदर ये त्रिया चरित्र लिखा भी है? नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि ये भी एक त्रिया चरित्र था। कौन कौन से लिखोगे त्रिया चरित्र? मैंने ना सारे लिखे थे, 5 दिन भूखा प्यासा मर के, मगर ये कहाँ से रह गया? अरे शेख जी जितने तुम फेंक के आए हो ना, औरत की तो इतने स्लट में रहते हैं। कौन सी लट में? इस लट में। हाँ इस लट में, इस लट में उलझे रहते हैं। तेरी ये चित्र दिखा रही है साली, मेरा नाम शेख सिल्ली है, इस लट को पाड़ूंगा, ला ला। हाय अल्लाह हराम जाते मेरी लट ले गया साली, लट दिखा रही, लट पाड़ दूंगा साली, ले जाऊंगा साली, की नहीं गिर खाऊंगा, गलाऊंगा नहीं। शेख चिल्ली मुझे भी इस लट की कसम है, अगर तेरा हिरन ना बना दिया तो मेरा नाम भी हसीना नहीं। साले कम का साले, अरे शेख चिल्ली पागल माने साली, मुझे साली ने बावला मान रखा मुझे, शेख चिल्ली पागल। क्या बात है, क्यों बड़बड़ कर रहा है, क्या हुआ? मम्मी क्या बदलाव, उन्हें साली ने बिन बात के मुझे बहुत पिटवा दिया। बिन बात के पिटवा दिया? हमें तो कोई ना बिन बात के पिटवाता, क्या हुआ? होता क्या मम्मी, मैं उन्हें कॉपी किताब ले गया कंधे पे लाद के, मैं राजा वहाँ डाले, मैं साली एक औरत, साली ने एक औरत ने गांव वालों से मिलकर मुझे पहले खूब पिटवाया, फिर कह लेगी तू एक चिड़िया चरित्र लिखना भूल गया, इसे और लिख। फिर तूने लिखा? हाँ लिखने लायक छोड़ा उन्होंने मुझे, और साली ने मुझे खूब मारा, सालों ने सबने मिलकर मुझे खूब मारा, मगर अम्मी मैंने भी साली की लट फाड़ दी, याद रखेगी जिंदगी भर। अच्छा घेट फाड़ना बंद कर, रुखसाना को डॉक्टर के ले जा, बीमार हो रही है। क्या रुखसाना बीमार हो गई? हाँ इसका मतलब बुखार चढ़ा दिया तूने।
मैं क्यों चढ़ाती, तेरी तिरिया चरित लिखने के चक्कर में बीमार हो रही है। चल खड़ा हो, दवाई दिला के ला। रुक जा रहा, अगर तुझे बुखार हो गया तो मेरा क्या होगा, आती दवाई दिला रहा हूँ। चल सेठ जी, मेरे पे तो पैदल चलाना जावे। पैदल चलानी जावे? मैं इतना सता दिया तुझे बुखार ना। एक काम कर, इसे गधे पे बिठा और दवाई दिला के ला। हाँ गधे बिठा के दवाई दिलाओ, गधे पे लग तो मैं हो रहा हूँ। अभी तक गधे बैठाओ, नहीं नहीं बैठाओ पास है, अगर ये गधे में से गिर पड़ी ऐसी भी ना रहने की है। हाँ मैं गधे से गिर सकती हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। हाँ ठीक कह रही है। चल खड़ी हो, गधे से गिर जाएगी तो चल जा, डॉक्टर से दवाई लेके आ। चल खड़ी हो। आराम से जाइयो। आराम कर, आराम कर तू। आराम से ले जाइयो। चल दिल फाड़ लाके तू। चल तो रही हूँ। चल आगे तू, पूरी शाम यही कर दिए। चल अब वापिस नहीं आना। सेठ जी मैं बीमार हूँ, आराम से तो चल सकती हूँ। ओए तो मैं भी आराम से कर रहा हूँ, कब वक्त आराम से चल ले। मैं तो अम्मी के डर है कह रहा हूँ। देख लेंगे मैं अम्मी को भी, चलो तू। हाँ ठीक है, मैं तुझे गधे पे लाता हूँ, क्या करूँ, सारा गधा भाग गया, अब तो पैदल चलना पड़ रहा, मुझे बहुत जोर पड़ रहा। कोई बात नहीं सेठ जी। मैं रुक जाना, अब तो एक खुराक खाली आराम लगा ना लगा। हाँ सेठ जी अब तो आराम है। ठीक है तो चल। सेठ जी जब से तुमने दवाई दिलवाई है मैं ठीक हूँ। रुक जाना, ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर बहुत अच्छा फास्ट दवाई देता। अच्छा सेठ जी, अम्मी के लिए भी बाजार से कुछ ले लो। बाजार से कुछ ले लूँ? मैं अम्मी के लिए क्या, रुक जाना, मेरा दिल कर रहा तेरे लिए भी कुछ ले लूँ, तू भी कुछ खा लिए। अच्छा रुक जाना, गरम गरम जलेबी बन रही है, जलेबी खाएगी? जलेबी हाँ खिला दो। है? मगर पैसे तो है ही नहीं। पैसे नहीं है, चलो तो रहने दो। रहने दो, तेरा मन कर रहा, रुक जा, बेटा चाल चलता हूँ कोई। है? आगे दिमाग में चल। चलो ठीक है। बस भैया जल्दी दे दो यार, बहुत देर हो रही है, घर बहुत सारे काम है। लो भैया 100 रुपए दो। वाह भाईजान। हाँ जी। जलेबी गरम है? हाँ जी। क्या भाव दिए? मुल्ला जी 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो? भाई इतनी महंगी, हराम की दौलत मान रहा किसी की? मुल्ला जी देसी घी की हैं। देसी घी की? हाँ वाह, खा के देखेंगे पहले। रहने तो सेठ जी, हमें नहीं खानी इतनी महंगी जलेबी। अरे मैडम खा के तो देखो, खा के देखने के पैसे नहीं है। खा के देखने के पैसे नहीं है? हाँ खा के देख लेते हैं, खा के देखने के पैसे है नहीं, काम बन गया बेटा। मुल्ला जी क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसा कर आधा किलो दे दे। आधा किलो? हाँ। मैं बढ़िया बढ़िया दियो। बढ़िया बढ़िया ही दे रहा हूँ, देख लो। लो आधा किलो हो गई है। रोज तो ले हाथों से, ऐसी पता चल जाए हमें। ठीक है, कम बढ़ती हमारे पास कुछ जा रहा। ले कैच कैच तो कैच, मैं भी कैच दूंगा। खाजा खाजा खाजा, मुंह मत जलवाने ना सेठ जी। मैं खाजा गरम खाजा खा। खाओ तुम भी खाओ। खत्म हो गई। हम तो चले भाईजान। मुल्ला जी पैसे? पैसे? हाँ। मैं कैसे पैसे? आधा किलो जलेबी के। आधी किलो जलेबी के 20 रुपए। मैं चुप कर, अपना काम कर। हमने खा के देगी, हमें अच्छी नहीं लगी, हमें नहीं लेनी। तो फिर आधे किलो खा के देखेगा?
मैं आधी किलो खा के देगी, मेरा पुत्र एक किलो देखता तो धार ले, तेरी तरह खा के देख ला, उसके कोई पैसे नहीं, समझ में आ रही है ना, करिए मैं हमें अच्छी लगी, हमें मतलब तू पैसे नहीं देगा, इसका मतलब, उसका मतलब क्या, कैसे पैसे, साले का लबाड़ मारूंगा, बकवास कर रहा हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगी जलेबी, मुल्ला पिटेगा तू मेरे हाथों से, अबे साले, साले निकाल पैसे, हाँ पैसे निकाले पहले, हो जाए साले का लपाट मारू, मैं ऐसे कर, पर मैं कर लिया, भाग भाग ले, भाग ले, नहीं तो साला भाग गया, भाग तो गया पर क्या, 20 रुपए की जलेबी खाकर 100 रुपए की मार भी तो खा गया, आज के बाद किसी को खवा के नहीं दिखाऊंगा, चल चल भाग ले, भाग ले, रुक जरा भाग ले, भाग ले, साला कभी पीछे आ जा, साला साला उसे लेकर आएगा अपने पौने से, वो साला पौने भी लेकर आएगा, कभी मारने लगा साले, भाग ले, तुम्हें पता है तुम्हारी चोट क्यों लगी, हाँ क्यों लगी मेरी चोट, यूँ लगी कि जलेबी वाले की तुम फ्री में जलेबी खाया है ना, उसकी बद्दुआ लगी, अच्छा जलेबी फ्री में खाया है, लगी अच्छा, यूँ लगी सारी बद्दुआ लगी, सेकी तुमने मुझे क्यों मारा, सुन ले मैंने तुझे क्यों मारा, मैं तेरे में खाई, तेरे बराबर खाई, मैंने बराबर खाई, दुआ बद्दुआ तो बराबर लग रही है, मैं जलेबी खा के चोट लगी, मैंने तेरे लपाटे मार दिए, बराबर झेल, अब निकल घर को चल, बराबर झेल, अब निकल घर को चल, अब बराबर होगी जलेबी तेरे से सटकी, चल खा मेरा बच्चा, खा तू, खा मेरा लाल, अम्मी ये कौन है लंगूर जिसे तू लड्डू सटका रही है, चुप कर, बोलता क्यों ना है, बोल अब क्यों कुकर की तरह इशारे कर रहा है, अभी चुप कर, अब कह रही है बोल, अब बोलने कह रही है, ये तेरा भतीजा है, भतीजा है, अम्मी ये भतीजा कहाँ था टपक पड़ा, बेटा तेरा एक बड़ा भाई था जो कलियर के मेले में खो गया था, ये उसी का बेटा है गजाउद्दीन चिल्ली, अम्मी तू एक बात बतला, तुझे कैसे पता ये मेरे भाई का बेटा है, तेरे आने से पहले इसने मुझे सब कुछ बता दिया जो मेरा बेटा और मैं जानती थी, ठीक है अम्मी, इस सांड में तुझे इतना प्यार आ गया, मगर तूने आज तक मुझे नहीं बतलाया, ना अब सांड ने बतलाया, मरने मर गया, तुमने मेरे घर में बात छिपाई, हाय मेरे अल्लाह ये तूने क्या कह दिया, हाय अल्लाह मैं क्या करूं, कहां मर जाऊं, हाय अल्लाह मैं क्या करूं, कहां करूं तुझे कहां क्या बताऊं, हाय मेरे अल्लाह ये तूने क्या कह दिया, मैं कहां मर जाऊं, मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए, तुम पागल सेठी, तुम बस रमनी आती अम्मी से ऐसी बात करते हो, अम्मी जो करेंगी सही करेंगी, अम्मी इसके बिना नहीं रह सकती और हम अम्मी के बिना नहीं रह सकते, है ना सेठ जी, हाँ अम्मी रुखसाना सही कह रही है, अम्मी अम्मी तू कहीं मजा ना छोड़ के, अम्मी वाकई हम तेरे बगैर नहीं रह सकते, अम्मी ठीक है मैं कहीं नहीं जा रही, या मेरे अल्लाह तूने मेरे से मेरा बेटा तो छीन लिया पर मुझे मेरा पोता दे दिया, अम्मी मगर मुझे एक बात का अफसोस रहेगा, तूने मुझे आज तक ऐसा प्यार नहीं करा, मैं गैर था कोई, वो बचपन में खो गया था, कोई बात नहीं, ये तेरा भतीजा भाई जैसा है, इसे भाई जैसा प्यार दे, ठीक है अम्मी, और तो सुन आज से बेटा खुला चर, कोई साला कुछ भी कहे ना कह देना सेठ चिल्ली चाचा ने कही है, मैं साले की सकल बिगाड़ दूंगा, और तुसन आज से तुझे गजनुद्दीन नहीं गजनी कहा करेंगे, क्यों रुखसाना गजनी, हाँ ये ठीक है सेठ चिल्ली और गजनी, ठीक है चाचा जी आज से तुम मुझे गजनी कहना, मैं जरा भी घूम कर आता हूँ, ठीक है घूम कहीं घूम खुला घूम कुछ भी कर, मेरा नाम ले देना, डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी हो
मेरा नाम ले दिया बस। ठीक है चाचा। सेठ जी, तुमने उसे बाहर क्यों भेज दिया? यहाँ के लिए वो नया है, अगर कहीं गुम हो गया तो? मैं तो जिम कर नया है, खो गया तो बता दो। शेख श्री का भतीजा, शेख श्री का भतीजा यानी अम्मी का पोता गया घूमने को, सब समझ जाएगा, सब समझ जाएगा। ले तू भी सटक ले, तू काय को जी थोड़ा करे बेटे, तू भी खा ले। अच्छा मैं भी दिल थोड़ा नहीं करूं? ले रही ले, चल जा अंदर रख के, तू भी खा लियो एक, बाकी रख लियो। ठीक है, तू खाएगी अम्मी? ना तू ही खा ले।